हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। स्टूडेंट्स मेरा हमेशा से ही मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी प्रकार की साइंस है, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, उन सब की आंख है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यदि इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होती तो बाकी जो साइंस है उनके गूढ़ कंसेप्ट हम नहीं समझ सकते थे। और फ्रेंड्स इस इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है एम्पलीफायर, क्योंकि स्टूडेंट्स जितने भी प्रकार के सेंसर्स लगे होते हैं वो सारे के सारे एम्पलीफायर पर ही काम करते हैं, और उन सेंसर की सहायता से ही हम प्रकृति के विभिन्न प्रकार की घटनाओं को जान पाते हैं। जैसे फ्रेंड्स रडार, फ्रेंड्स रडार में जो सेंसर लगे रहते हैं, सेंसर के तौर पर आपको पता है कि जो रडार है वो माइक्रोवेव रेज को इमिट करता है और वो रेज किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस से रिसीवर तक पहुंचती है। तो फ्रेंड्स रिसीवर के बाद में हो जाती है एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है और एम्पलीफाई करने के बाद में कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, तो उसके कारण हम जान पाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट उड़ रहा है और किस तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है कि हमसे दूर जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपको पता है कि ब्रह्मांड के विभिन्न प्रकार के ग्रहों से और विभिन्न प्रकार की गैलेक्सीज से रेज इमिट होती रहती है, और वो रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होती है, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को धरती पर लगे बड़े बड़े एंटीनास के द्वारा रिसीव किया जाता है, और रिसीव करने के बाद में उनको एम्पलीफाई करके ये जाना जाता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये किस कारण से प्रोड्यूस हो रही हैं, इनका स्पेक्ट्रम क्या है, और उसके हिसाब से दूर गैलेक्सीज में या प्लैनेट्स में या तारों में होने वाली घटनाओं को वर्णित किया जाता है, समझा जाता है। ठीक इसी प्रकार से केमिस्ट्री की विभिन्न प्रकार की रिएक्शन को समझने के लिए भी विभिन्न प्रकार के सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, और उन सेंसर्स से आने वाले सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स एम्पलीफायर का कार्य केवल सिग्नल्स को एम्पलीफिकेशन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एरिया बहुत वाइड है। स्टूडेंट्स इसका एरिया इतना ज्यादा वाइड है कि इसका इस्तेमाल जो है सिग्नल की कंडीशनिंग में, फिल्टरिंग में, और या फिर सर्किट को किसी मैथमेटिकल फंक्शन के तौर पर कार्य करवाने के लिए भी एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे एम्पलीफायर जिनका इस्तेमाल मैथमेटिकल फंक्शंस के तौर पर किया जाता है, उन एम्पलीफायर्स को हम बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी कि इन एम्पलीफायर का इस्तेमाल हम इनपुट्स को जोड़ने में, उनको घटाने में, मल्टीप्लाई करने में, और इसके अतिरिक्त भाग देने में, लॉग निकालने में, विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब यह है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर है जो न केवल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है बल्कि विभिन्न प्रकार के गणितीय फलनों, मैथमेटिकल फंक्शंस के तौर पर भी काम कर सकता है, और मैथमेटिकल फंक्शंस के तौर पर काम कराने के लिए एम्पलीफायर के साथ फीडबैक सर्किट को जोड़ा जाता है, और इस फीडबैक सर्किट में कैपेसिटर का भी यूज होता है और रेजिस्टेंस का भी यूज होता है, जिसे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसकी बनावट देखते हैं कि ये ऑपरेशन एम्पलीफायर किस तरीके से बना हुआ होता है। स्टूडेंट्स ऑपरेशन एम्पलीफायर को समझने से पहले हमको एम्पलीफायर के बारे में जानना आवश्यक है। स्टूडेंट्स एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कमजोर सिग्नल को बूस्ट करती है। फ्रेंड्स अब जैसे मान लो ये एक एम्पलीफायर है, और फ्रेंड्स ये कोई वोल्टेज सोर्स है, राइट। अब फ्रेंड्स ये जो वोल्टेज सोर्स है ये कुछ भी हो सकता है, मान लो कि एक सेंसर है, राइट। अब फ्रेंड्स क्या है कि इस सेंसर ने एक वोल्टेज दी, एक सिग्नल दिया। अब फ्रेंड्स ये सिग्नल कमजोर है, क्यों कमजोर है,
इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स अब एम्पलीफायर के द्वारा इस सिग्नल को रिसीव करके इसको बूस्ट किया जाएगा, यानी इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एम्पलीफायर इस सिग्नल को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद में इसको बूस्ट कर देगा। बूस्ट करने का मतलब इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। तो सिग्नल तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से एम्पलीफायर कमजोर सिग्नल को बूस्ट करता है। अब स्टूडेंट्स जो एम्पलीफायर होते हैं वो डिस्क्रीट कंपोनेंट से बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स जो एम्पलीफायर होते हैं उनको डिस्क्रीट कंपोनेंट से बनाया जा सकता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर और वॉल्व। और इसके अतिरिक्त जो एम्पलीफायर होते हैं वो आईसी पर भी बनाए जाते हैं, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट भी होते हैं। स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड सर्किट के तौर पर 741 आईसी का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक एम्पलीफायर सर्किट होती है। और डिस्क्रीट के लिए स्टूडेंट्स अपने कुछ ट्रांजिस्टर जोड़ देते हैं और जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक एम्पलीफायर का काम करता है। स्टूडेंट जैसे देखिए ये एक सिंपल एम्पलीफायर का सर्किट है और इसमें अपने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को लगा रखा है और यहाँ अपने वोल्टेज देते हैं प्लस VCC, ये होता ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने आउटपुट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक सिंपल एम्पलीफायर है और यदि आप इस एम्पलीफायर के इस सिरों पर कमजोर सिग्नल या कोई छोटा सिग्नल लगाओगे तो यहाँ पर एक बूस्टेड सिग्नल आपको प्राप्त होगा, यानी एक प्रवर्धित एम्पलीफाई सिग्नल आपको प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये एक डिस्क्रीट एम्पलीफायर का एग्जाम्पल है। और स्टूडेंट्स एम्पलीफायर को आईसी पर भी बनाए जाते हैं, एक आईसी होती है 741, बहुत फेमस आईसी है। और इस आईसी के 8 पिंस होती हैं, राइट। और इस आईसी के नंबर 2 और नंबर 3 पे पर इनपुट डाला जाता है और नंबर 6 पिन से आउटपुट बाहर निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने देखा कि एम्पलीफायर जो है कमजोर सिग्नल को बूस्ट करता है। अब स्टूडेंट्स बात आती है ऑप एम्प क्या है। स्टूडेंट्स ऑप एम्प भी एक प्रकार का एम्पलीफायर है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो उसको साधारण एम्पलीफायर से अलग करती है। पहला कि ये एक डीसी एम्पलीफायर है, इसका मतलब ये है कि ये डीसी वोल्टेज को भी एम्पलीफाई कर सकता है। स्टूडेंट्स जो पुराने टाइप के एम्पलीफायर हुआ करते थे स्टूडेंट, जैसे कि ये क्लास ए एम्पलीफायर, स्टूडेंट ये जो क्लास ए एम्पलीफायर है जो पुराने टाइप के एम्पलीफायर बनाए जाते थे, राइट। तो स्टूडेंट्स एक आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि एम्पलीफायर कई टाइप के होते हैं, जैसे कि क्लास ए, क्लास ए बी, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एच, क्लास जी, ये प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जितने भी एम्पलीफायर यूज करते हैं ए बी बी सी डी एच, स्टूडेंट ये ए सी एम्पलीफायर होते हैं, यानी ये केवल ए सी सिग्नल को ही एम्पलीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि ये ए सी सिग्नल है और उसको एम्पलीफाई किया गया एम्पलीफायर के द्वारा, लेकिन स्टूडेंट्स जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो डीसी सिग्नल्स को भी एम्पलीफाई कर सकता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कोई यदि आप इस एम्पलीफायर पर, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर यदि आप कोई पॉजिटिव वोल्टेज दे दो, पॉजिटिव डीसी वोल्टेज दे दो, तो भी वो वोल्टेज यहां पर एम्पलीफाई होगी, राइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट दूसरा ये है कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल फिल्टरिंग में भी किया जाता है, यानी कि सिग्नल की फिल्टरिंग में भी किया जाता है, सिग्नल की कंडीशनिंग में भी किया जाता है। स्टूडेंट अब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं और इस एप्लीकेशन के कारण ही इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोला जाता है। स्टूडेंट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल फंक्शंस के रूप में भी कार्य करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एक्सटर्नल कुछ सर्किट लगा देते हैं और उसके बाद में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो सिग्नल्स को ऐड भी कर सकता है, सबस्ट्रैक्ट भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है और डिवाइड भी कर सकता है, उनका लॉग भी निकाल सकता है। स्टूडेंट्स इस प्रकार से इस एम्पलीफायर के द्वारा
गणितीय संक्रियाएं या मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के कारण ही इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोला जाता है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनता कैसे है। स्टूडेंट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली एक आईसी सर्किट होता है, एक आईसी होता है। स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा 741, स्टूडेंट्स ये भी एक प्रकार का ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, और चूंकि ये एक आईसी सर्किट है इसलिए इस आईसी सर्किट को इस व्हाइट बोर्ड पर बनाना इतना इजी नहीं है। तो स्टूडेंट इसके ऑपरेशन को समझने के लिए हम उस आईसी के सर्किट का सिंप्लीफाइड वर्जन इस्तेमाल करेंगे ताकि आप उस एम्पलीफायर ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में समझ सकें। अब देखिए स्टूडेंट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर है 741 आईसी, बहुत ही फेमस आईसी है। इसकी 8 आगे होती हैं, यानी 8 पिंस होती हैं इसकी। पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं। स्टूडेंट्स इसकी जो पहली पिन होती है उस पिन के पास एक डॉट का निशान होता है जिससे आप पहली पिन की पहचान कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसका नंबर 2 इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, यानी नंबर 2 पे आप सिग्नल, जो सिग्नल आप दोगे वो नंबर 6 पर इन्वर्टेड मिलेगा, राइट। और नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, यानी आप नंबर 3 पे यदि आपको सिग्नल दोगे तो 6 पर यानी आउटपुट पर वो सिग्नल वैसा का वैसा प्राप्त होगा, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, बस वो एम्पलीफाई हो जाएगा, राइट। और इस प्रकार से जो नंबर 4 पिन है, चौथी पिन है, उसको आप जोड़ते हो माइनस VCC से यानी पावर सप्लाई से, और जो पिन 7 है उसको आप जोड़ते हो प्लस VCC से यानी कि पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से। अब स्टूडेंट्स इस आईसी में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्या होता है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब फ्रेंड्स यदि इस आईसी का अपने ब्लॉक बनाए तो इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा कि सबसे पहले इसकी जो इनपुट स्टेज होती है वो होती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर DA, और इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर से आने वाले सिग्नल को बूस्ट करने के लिए इसकी दूसरी स्टेज होती है वास, यानी वोल्टेज एम्पलीफाइंग स्टेज। और इस वोल्टेज एम्पलीफाइंग स्टेज में करंट को एम्पलीफाई करने के लिए तीसरी और आउटपुट स्टेज का इस्तेमाल किया जाता है, वो है क्लास ए बी स्टेज। तो स्टूडेंट्स ये जो DA डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो इनपुट देता है, राइट, यानी वो इनपुट को बूस्ट करता है, और ये जो बूस्टेड जो सिग्नल होगा वो वास में जाएगा और इसकी वोल्टेज में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, और उसके बाद में उस वृद्धि हुए सिग्नल की करंट में वृद्धि करने के लिए, राइट फ्रेंड्स, आपको पता है कि पावर होती है P = VI, यानी आपने इस सिग्नल की वोल्टेज तो यहां बढ़ा दी लेकिन करंट आप यहां बढ़ाओगे, यानी कि क्लास ए बी एक प्रकार से एक बफर स्टेज होती है, और इस बफर स्टेज का काम होता है कि जो इंटरनल ये और ये इन दो स्टेज को लोड होने से बचा लेती है, क्योंकि ये स्टेज एक प्रकार से करंट एम्पलीफायर का काम करती है, तो ये करंट एम्पलीफाई कर देती है और लेकिन और साथ के साथ ये जो अंदर की स्टेज है उन पर लोड नहीं आने देती, और इसके बाद में यहाँ पे अपने देते हैं V0 आउटपुट, और आउटपुट के बाद में अपने कोई लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ देते हैं तो ग्राउंड, राइट फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से इस लोड रेजिस्टेंस को ग्राउंड से जोड़ देते हैं और वोल्टेज को इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में, यानी इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में अपने इस वोल्टेज को प्राप्त करते हैं।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने इसका ब्लॉक डायग्राम समझा कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, राइट, दूसरा वास और तीसरा क्लास एबल। अब स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या चीज होता है। स्टूडेंट्स जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा एम्पलीफायर जो कि इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई कर दे, क्या कर दे, इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई कर दे। स्टूडेंट्स बेसिकली डिफरेंशियल एम्पलीफायर दो ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है और दोनों ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो ट्रांजिस्टर हैं, दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं, यहां पे अपने एनपीएन की जगह पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी इस्तेमाल करते हैं और ये यहां पर जुड़ा है दोनों ट्रांजिस्टर पर लोड रेजिस्टेंस, राइट, आर वन है और आर टू है। फ्रेंड्स ये दोनों रेजिस्टेंस हम इक्वल लेते हैं और यहां पर है एमिटर रेजिस्टेंस आर ई। फ्रेंड्स ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर ड्यूल पावर सप्लाई पे काम करता है। ड्यूल पावर सप्लाई में तीन टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव का, दूसरा नेगेटिव का और तीसरा ग्राउंड, राइट। जैसे आपने लैब में देखा होगा कि आपने 12 की पावर सप्लाई इस्तेमाल की होगी, तो इसका मतलब है कि इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव 12 है यानी पॉजिटिव 12 है, तो दूसरा टर्मिनल है वो नेगेटिव 12 है और जो बीच वाला टर्मिनल है वो ग्राउंड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने लगाते हैं प्लस वीसीसी, यहाँ पे लगाते हैं अपने माइनस वीसीसी क्योंकि ड्यूल पावर सप्लाई है, और उसके बाद में इन दोनों सिरों के बीच आउटपुट वोल्टेज V0 प्राप्त होती है, राइट। और यदि आपने मान लो कि इस ट्रांजिस्टर के बेस पर V1 इनपुट दिया है और इसके बेस पर V2 इनपुट दिया है, तो ये जो V0 वोल्टेज होगी उसका मान होगा V0 इज इक्वल टू ए V1 माइनस V2। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इन दोनों सिरों के बीच की जो वोल्टेज है वो V1 माइनस V2 यानी इन दोनों वोल्टेज के डिफरेंस के इक्वल है, इसलिए इसको हम एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि दोनों इनपुट पर आने वाले सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, राइट फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर बेसिकली चार प्रकार के होते हैं।